नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूं आपका इडियट बॉक्स में। राम रहीम, जिसको हर बार सरकार चुनाव के ठीक पहले रिहा कर देती है, उस बलात्कारी राम रहीम को इस बार भी रिहा किया गया। और रिहाई में बलात्कारी बाबा राम रहीम ने एक म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च कर दिया। जनसत्ता की खबर क्या कहती है ये देखिए। राम रहीम ने दिवाली पर बनाया म्यूजिक वीडियो, मिले 40 लाख से अधिक लाइक। पैरोल पर बाहर है डेरा सच्चा सौदा चीफ। और ये म्यूजिक वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर काफी ज्यादा अधिक वायरल भी हो रहा है। ये वही बाबा राम रहीम है जिसको 2017 में दोषी ठहराया गया था और 20 साल की सजा सुनाई गई थी। और यही नहीं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। द लल्लन टॉप बताता है कि दिवाली की रात को म्यूजिक वीडियो पब्लिश किया गया। गुरमीत ने फिर अपने अनुयायियों से बात की और लाइव के दौरान यह भी कहा कि ऐसे 800 और कथित भजन लिखे हैं जो जल्द ही रिलीज किए जाएंगे। यह भी कहा कि जेल उसके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है। मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहती हूं कि आखिर क्यों हमेशा चुनाव से ठीक पहले बलात्कारी बाबा राम रहीम को रिहा कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है। पंजाब इलेक्शन के टाइम पर भी पैरोल पर बाबा राम रहीम को रिहा किया जाता है। और इस बार भी आदमपुर के चुनाव जीतने के लिए बाबा राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा जाता है। गुजरात में भी चुनाव जीतने के लिए आप बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को रिहा कर देते हैं। जब राम रहीम ने अपने आश्रम से लाइव किया तो उसमें 4 नेता बीजेपी के मौजूद थे, जिसमें करनाल की मेयर राम रहीम को पिताजी कहकर आशीर्वाद लेती हैं और कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जिस राम रहीम पर 2 लड़कियों के साथ बलात्कार का आरोप साबित हुआ है, तो फिर बीजेपी आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी आप इस राम रहीम को क्यों रिहा करते हैं? गुप्ता, मैं आपसे और बीजेपी के उन तमाम नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि आखिर राम रहीम का दिखाया वो कौन सा रास्ता है जिस पर आप चल रहे हैं? माननीय मोदी जी, जो लाल किले पर खड़े होकर महिला सम्मान की बात करते हैं, ये वही है जो ऐसे बलात्कारियों का साथ देते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी को संस्कारी बताया जाता है। आप कैसे भूल जाते हैं कि ये वही बाबा राम रहीम है जो एक बलात्कारी ही नहीं बल्कि हत्यारा भी है। इसने तमाम उन लोगों की हत्या करवाई जो इसके खिलाफ थे, जो इसे एक्सपोज करना चाहते थे। ये पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में भी मौजूद थे, जिसको उसी के घर के सामने गोली मारी जाती है। बीजेपी के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज, ये वही है जिन्होंने कहा था कि हम उन 2 लड़कियों की बात पर यकीन क्यों करें, हम तो बाबा राम रहीम पर यकीन करेंगे क्योंकि वो निर्दोष है। और इतना ही नहीं, किस मुंह से आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा देते हैं? क्या आपको ये बात अंदर से झकझोरती नहीं है? क्या आपको जरा सी भी शर्म आती है? मैं ये पूछना चाहती हूं कि बलात्कारियों का साथ देने वाली पार्टी या बलात्कारियों का साथ देने वाले लोग आखिर संस्कारी कैसे हो सकते हैं? इस बात पे गौर करना जरूरी है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।